जो आरएसएस है वो तो नफरत से निकल के बना हुआ एक संघ है। पीटर शिवलिंग का मजाक बन रहा था, उनको डिबेट छोड़ के चले जाना चाहिए था, या मौलाना साहब के पर्सनल लेवल के ऊपर बात कर दी, इन्होंने भी ये शिवलिंग का मजाक। अरे साला, हमें तो पता ही नहीं था कि सरदार लोग भी अपना जमीर 500 रुपए के लिए बेच देते हैं साले। ये वाला तो टैलेंट में सिर्फ हिंदुओं में देखा था, कुछ चाटुकार, कुछ चैचन, ये सब ऐसा करते थे, लेकिन सरदार भी इस प्यारे दुलारे अपने जो प्यारे बच्चे सरदार जी हैं, इनका कहना है कि अगर आपके धर्म के बारे में कोई कुछ भी कहे, सामने से कोई कुछ कह रहा है, तो तुम पतली गली से निकल लो। क्या मौलाना साहब के पर्सनल लेवल के ऊपर बात कर रही है, इन्होंने भी ये शिवलिंग का मजाक। हाँ लल्ला, हाँ पर्सनल लेवल पर जाकर डिबेट में जो दूर दूर बैठे हैं, एक कहीं और बैठा है, एक कहीं और बैठा है, लाइव डिबेट में उसके पर्सनल लेवल पर जाकर उसकी मत चाहिए। तो किसान आंदोलन जो हुआ था उससे कुछ लोगों की रोजी रोटी चली थी, और उसके बाद उनकी रोजी रोटी, किसान आंदोलन, किसान बिल वापस होने के साथ साथ उनकी रोजी रोटी भी चली गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबके साथ ऐसा हुआ था, ना 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 ना, कुछ लोग थे, कुछ लोग हैं जिनकी रोजी रोटी अभी भी चल रही है, वो उसी रोटी का एक तिनका ये सरदार है। ये प्रदर्शनकारियों की शक्लें देख देख के उनके मकान गिराए जा रहे हैं। ओहो हो, बड़ी दुख की बात है, बड़ी दुख की। सच कह रहा है तू, तू सच कह रहा है भाई। सरकार उसकी शक्लें क्यों देख रही, जब तोड़ना पिछवाड़े को है, घर को तोड़ना है, तो साला चेहरा क्यों देख रहे। पिछवाड़े पे कैमरा लगाओ, कैमरे में जिस जिस का पिछवाड़ा आया हो उसको स्केल से नापा जाएगा, उसके बाद उसको तोड़ा जाएगा। ये सही कह रहा है सरदार, चेहरा नहीं देखना चाहिए। तो भाई क्या ही कर सकते हैं, लेकिन सरकार से रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि आगे से ऐसा कुछ हो तो चेहरा मत देखना, सिर्फ पिछवाड़े पर नजर रहे, उसी को ठोक देना। जो आंदोलनकारी हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, जो लोकतंत्र में रह करके अपने संविधान के अंतर रह करके अपनी आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज को दबाने के लिए उनके मकानों को गिराया जा रहा है। ओ लल्लू लाल, लल्लू लाल सरदार। वैसे सरदार भी कहने में तेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तो सरदार जैसा कोई काम नहीं कर रहा है। अरे माना तेरी शक्ल है चूतियों जैसी, लेकिन अब ये जरूरी थोड़ी है कि तेरी जहनीत भी चूतियों जैसी हो, तू बात भी चूतिया जैसी करे। इतने शांति के साथ तुम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, ये दुनिया नहीं जानती है। आजकल तो वीडियो में कैद ही हो जाता है, सब कुछ कैद है बेटा। दिल्ली में कितने शांति के साथ ट्रैक्टर घुमा घुमा के लोगों और पुलिस वाले के ऊपर चढ़ाया जा रहा था, यही था शांति। दूसरे प्रदर्शनों में ट्रेन के अंदर बैठ के आराम से माचिस मारी जा रही थी, वो भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। कानपुर में बाजार बंद करने के नाम पर उसी बाजार पर पत्थरबाजी हुई, ये तो शांतिपूर्ण ही था। अगर इतना शांतिपूर्ण प्रदर्शन होने के बाद सरकार शांति के साथ किसी का पिछवाड़ा और घर तोड़ रही है, तो इसमें गलत क्या है? ये आप क्या कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। मेरी बात सुनिए, योगी जी ने तो जिस दिन से भगवा धारण कर रखा है, मेरी बात को अब याद रखना, वो तो देश के अंदर वैसी माहौल खराब करने का एक उनका सिस्टम बन चुका है। ओह लल्लू लाल, लल्लू भैया, मैं समझ सकता हूँ तकलीफ है, होती है तकलीफ, तुम जैसे लोगों को तकलीफ होती है, भगवा देखने के बाद पिछवाड़ा फट ही जाता है, क्योंकि तुम लोगों के दिमाग में जो नफरती और एकतरफा कीड़ा घुसा हुआ है ना, तो जायज है। बदनाम करना, उसको गाली देना, ये सब बनता है। भगवा को अच्छा ना मानना, वो भी जायज है। कोई पहन ले तो फट जानी, तुम लोगों की फट जानी, ये सब आम बात है, होती है सर, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, उसमें से तू भी एक है। एक मुख्यमंत्री अगर इस तरह के परिधान पहनेगा तो वो धर्म को सपोर्ट करेगा क्या? एक मुख्यमंत्री, क्या एक प्रधानमंत्री किसी धर्म का होता है? हम मोदी जी आपसे सवाल करते हैं, योगी जी आपसे सवाल करते हैं, कोई भी एक प्रधानमंत्री बनता है हमारे देश के अंदर, कोई भी मुख्यमंत्री बनता है, तो वो पूरे प्रांत का होता है, वो सभी धर्मों का होता है। हाँ मियाँ, ये बात सही है तेरी कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या कोई नेता किसी धर्म का नहीं होता, किसी पर्सनल किसी धर्म जात का थोड़ी ना होता, वो सबका होता है। लेकिन बच्चू, वो क्या कपड़ा पहनेगा वो उसकी मर्जी है ना, ऐसा तो है नहीं कि ड्रेस कोड नेताओं के लिए है। यहाँ तेरे को यही कहूँगा कि उनके कपड़ों से नहीं, अपने जमीर को जिंदा करने के बाद उनको जज कर, तब सच्चाई सामने आएगी, तब आदमी आदमी के काम से पहचान, उसके कपड़े से नहीं। भाई जो मुसलमान है वो टोपी लगाते हैं, सरदार लोग पगड़ी बांधते हैं, और लोग साफा बांधते हैं, जो भी कुछ करते हैं, जो जिस स्टेट का है, जो जिस धर्म को मानता है, वो अपना अपना पहनता है, जब उसका मर्जी करता है, कोई रोज़ पहनता है और कोई कभी कभी पहनता है। अगर फिर भी नहीं जज कर पा रहा है, नहीं देख पा रहा है, तो कहीं जा, किसी अच्छे दुकान पे जा, ये पसाड़ी दुकान, मसाड़ी, क्या दुकान कौन सी होती, उस पर जा, सांडे का तेल ले, दोनों आँखों में डालकर थोड़ा आराम कर, उसके बाद जब तू उठेगा तो सभी लोगों को एक नज़र से देख पाएगा। भगवत से तो कतई नहीं फटेगी तब, ना ना ना, तब नहीं फटेगी, तब भगवा शांति का प्रतीक है,
ये तब समझ में आएगा। आप एक योगी का अगर वेश धारण कर ही रहे हो तो हाथ में कमंडल भी लो और गली गली जंगलों में निकल जाओ, मेरी बात समझ रहे हो? भिक्षाम देवी ओ चचा चौधरी, कमंडल के साथ साथ त्रिशूल भी होता है। जब तेरे जैसे खोत्या लोग अपने रास्ते से भटक जाते हैं तो उनको उस त्रिशूल पर कुछ टाइम के लिए बैठा दिया जाता है, जिससे उनका दिमाग तशरीफ सब कुछ ठंडा हो जाए। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। क्या कोई सरदार इस वीडियो को देख रहा है? अगर देख रहा है तो कमेंट करके बताइए, क्या इस जाहिल आदमी को ऐसी बातें करनी चाहिए? आप लोग क्या सोचते हो? एक सरदार होने के नाते, एक इंडियन होने के नाते, आप सब क्या सोचते हो कमेंट करके बताइएगा। और पूरे वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है ये भी आप कमेंट करिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वो घंटा उंटा को दबा के बजा दो, त्रिशूल पे बैठाने जैसा अनुभव आए ऐसे जाहिलों को ऐसा करके दबा दो जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।